हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा जो कि सिस्को कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ये इंटर्नशिप में खास बात यह है कि यहाँ पे फ्रेशर्स बैच जैसे कि 2021 2022 बैच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ये बिल्कुल बहुत अच्छी इंटर्नशिप होने वाली है। इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, ये इंटर्नशिप किस चीज़ से रिलेटेड है, यहाँ पे आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट एंटर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट से रिलेटेड इंटर्नशिप है। लोकेशन आपको यहाँ पे बेंगलोर कर्नाटका में मिलने वाली है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे उन्होंने प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजमेंट बताया। जॉब टाइप उन्होंने इंटर्न बताया, जॉब आईडी ये बताई है, और टेक्नोलॉजी इंटरेस्ट उन्होंने अभी इतना नहीं बताया किस हिसाब से। फिर दोस्तों, उन्होंने सिस्को के बारे में बता रखा है कि एक्चुअली सिस्को किस टाइप से वर्क करती है, किस टेक्नोलॉजीज पे वर्क करती है, अभी वो करंटली किस पे वर्क करती है। जैसे कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट दिया जा रहा है तो उसको कैसे स्पेसिफाई करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करनी है, स्ट्रेटेजिक प्लान रोड मैप के साथ आपको पूरा पता होना चाहिए दोस्तों कि इसमें जो है सिस्को कैसे काम कर रही है। आप भी वैसा ही काम करेंगे सिस्को के साथ अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं तो। काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप होने वाली है। सिस्को किन प्रोजेक्ट्स पे अभी करंटली काम कर रही है, इंडिया में किन प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अभी जो भी क्राइसिस चल रहा है उसके चलते किन प्रोजेक्ट्स पे सिस्को ने बहुत अच्छे से वर्क कर रखा है, तो वो उस टाइप से उनका उन्होंने इंट्रोडक्शन बताया। अब दोस्तों, उन्होंने आपकी क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेसिक क्वालिफिकेशंस बताइए, मैं आपको बता देता हूँ। रीसेंट ग्रेजुएट और ऑन योर फाइनल ईयर ऑफ स्टडी टूवर्ड्स अ बैचलर और मास्टर डिग्री इन बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस, मैथ्स, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिलेटेड फील्ड। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं आप अभी बैचलर कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस या मैथ्स, अकाउंटिंग में, इंफॉर्मेशन सिस्टम में और रिलेटेड फील्ड में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर आपका जो है वो CGPA 7.0 मिनिमम होना चाहिए और इक्विवेलेंट इसके लगभग हो सकता है दोस्तों। इस टाइप से ये रिक्वायरमेंट जो है वो 2022 पास आउट्स के लिए यहाँ पे उन्होंने ऐसा मेंशन कर रखा है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप डिस्क्लेमर में पढ़ सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट 2021 और 2022 पास आउट दोनों के लिए है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बैच के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डिग्री इन फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए। फिर आपकी प्रॉब्लम स्किल्स, सॉल्विंग स्किल्स, इसी के साथ डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए, जिससे कि आप कस्टमर की जो सर्विस है उन कस्टमर्स को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर पाएँ। पूरा जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होना चाहिए, टीम प्लेयर होना चाहिए आप लोग, जैसे कि अगर आपको कोई भी काम दिया जा रहा है तो आप उसे कितनी अच्छी तरीके से करते हैं, तो इस टाइप से उन्होंने बता रखा है दोस्तों। फिर हम उन्होंने बता रखा है कि सिस्को किस लिए अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जो वर्क चल रहा है उसके चलते सिस्को उस रूप में काम कर रही है। फिर इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लेमर में बता दिया है दोस्तों। फिर अब यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, आपको अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही अप्लाई के ऑप्शन पे जाएंगे, सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा कि सिस्को करियर्स का। सबसे पहले वो आपकी वहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेंगे। अगर आपने अभी तक सिस्को करियर्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे ईमेल आईडी नहीं बनाई है तो ईमेल आईडी बना लीजिए। ईमेल आईडी जैसे ही बनाएंगे, सबसे पहले रेज्यूम अपलोड होगा फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप में मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको सैल्यूटेशन सिलेक्ट करना है, फिर आपका नेम, ईमेल एड्रेस, आपका प्राइमरी फ़ोन टाइप क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, इसके बाद वो कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको SMS से मोबाइल फ़ोन में, फिर एड्रेस, आपको कंट्री, रीजन, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कौन सी, हाईएस्ट डिग्री कौन सी आप अभी परस्यू कर रहे हैं, मेजर फिर आपका क्या है, मोस्ट रिसेंट, मान लीजिए आप अभी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बता सकते हैं, मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल क्या है, आपके वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आप अभी स्टूडेंट हैं या आपने कहीं इंटर्नशिप कर रखी है तो आप बता सकते हैं। आपको कभी भी सिस्को एम्प्लॉय आईडी और सिस्को ईमेल एड्रेस असाइन हुआ है नहीं हुआ है, आपको हुआ है तो यस, नहीं तो नो। इसी के साथ आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स और टेक्नोलॉजी बतानी है, आपने इस जॉब अपडेट के बारे में कहाँ से सुना, पासवर्ड कन्फर्म कर दीजिए। फिर दोस्तों साइन अप कर सकते हैं आप जॉब नोटिफिकेशन के लिए जो कि सिस्को की तरफ से आ रहा है। एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे आप तो एग्री एंड कंटिन्यू करने के बाद ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन रहेगा, जिसमें आपने जितनी भी डिटेल्स भरी है वो सब सही है कि नहीं है, आपको ऐसे करना है। फिर आप जैसे ही फाइनल सबमिशन कर देंगे, कुछ इस तरीके का आपको ये लिखा आ जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड,
जी हाँ दोस्तों, आप इसमें पूरी अच्छी तरीके से सबमिट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन। यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली अप्लाई टू दी प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट इंटर्न इंडिया, जॉब आईडी ये नंबर दे रखा है, और दोस्तों जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, और इस टाइप से जो भी इनके नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी वो आपके मेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे अप्लाई करा था अभी 2:12 पे, 12 मिनट्स अगो, तो यहाँ पे मुझे मेल आ गया था कि हाय लोकेश, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट सिस्को। और दोस्तों फिर इस टाइप से उन्होंने ये बता रखा है कि हमने इसमें अप्लाई कर दिया है, तो हम सक्सेसफुली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ इस तरह की इंटर्नशिप जॉब अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।